my channel, Comedy Valdemar, और मायरा आ गई अपनी नानी घर। ना मम्मा, ये बहुत गंदी लड़की है, उंगली कुछ उधर ही होगा ना। वो निकाल के दो जल्दी। पर्स में मेरा खुजला नहीं, 500 का नोट है। उतर के जाओ। हेलो, आ वोट 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 वोट। मायरा कितना पहचानती है सबको। चलो हम भी उनके घर। आ। तो दामाद को लेने BMW आया है। क्या चलाएगा? हम बाबू चला, आपको आएगा चलाना? बाबू बाबू आप ना ऑटो चलाइए और कोई पैसेंजर उठाइए। फोटो नहीं अच्छी दादा, दादा एक सेकंड फोटो लेंगे। सोमनाथ बाबू को गाड़ी मतलब ऑटो चलाना सिखा रहे हैं। सोमनाथ सबको ऑटो चलाना सिखा देगा, सब 30 मिनट में उतर जाएगा। अरे क्या ऑटो चला रहा है बाबू, क्या बोलते हैं आपको सरप्राइज देने क्या ऑटो? सोमनाथ को भी मजा आ रहा है ना, सबको बुला के बोले कि ऑटो चला रहा है। मम्मी ब्लॉक तो से आप देखो एक कितना स्माइल करते करते ऑटो चला रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आके जल्दीबाजी करने लगता है। दीदी कल के आस्ते रे आरे भन लगते है। भाई चलाओ ना। तो हां कल बिट्टू का बर्थडे था, मेरे भाई का कल बर्थडे था। हम ब्लॉगिंग में नहीं, ब्लॉगिंग में भी नहीं बोले कैसे। थोड़ा सा केक है, मेरा थोड़ा सा केक और खीर रखे हुए है मम्मी, थोड़ा सा। और फाइनली मम्मी का, मम्मी आज मेरा फेवरेट खाना बनाई है। आपके साथ ना खाने बैठेंगे, आप क्यों बोल रहे हो? अजीब है, जितना कमाई हो ना आप ही हमको खाना दीजिए, थोड़ा सा देगा। पूरे कम खाने जाता हूं मैं, जल्दी कर। यहाँ पे हम खाने बैठे हैं और बाबू एकदम सावधान कर देंगे, कंट्रोल में खाना। हम एकदम थोड़ा सा ही चावल दिया है और मम्मी मेरी यहाँ पे खाना खिला रही है ना, हमको देवे ना। और बिट्टू खा रहे बिरयानी, प्यास भी बोले थे हमें, और बाबू भी बिरयानी खा रहे हैं। बाबू ऊपर है, वैसे पूछू बिरयानी बनाई थी हम तो अपने जीजा जी के लिए, और हम बिरयानी बस टेस्ट किए कैसे बना, टेस्ट किए दो कौर खाए उसका, चावल खाने लगे। जल्दी खा के मायरा को खिलाना है, मायरा को सोमनाथ लेके बाहर गया है। और मम्मी मेरा फेवरेट खाना बनाई है आज, काटा का मछली और देश साग खोजा खेलो ना। देश में साग ले आया ये साग ना मम्मी अपने गांव से लेके आई है, वही बता रही है एकदम अपना खेत का साग है ये। मम्मी भी हम लोगों ने वेट करके थी, अभी मम्मी अपने दामाद को खाना दी, हमको दी, फिर खा रही हूँ। तो चलो पहले खा लेते हैं खाना। तो अभी मायरा क्या कर रही है? हाँ नानी का सामान लेके खेले, इसमें क्रीम नहीं ना है देख दो। और मम्मी यहाँ पे देख रही है अपना फेवरेट सीरियल, जो कि सीरियल लवर्स है ये। और अभी हम सो गए थोड़ा सा, क्योंकि कल रात से नींद नहीं पूरा हुआ था, पैकिंग वगैरह था, मतलब अचानक से प्लानिंग हुआ, फोन अचानक से आया, तो अचानक से पैकेजिंग वगैरह हो रहा था, इसलिए नहीं सो पाए थे। तो अभी सोए, फिर भी प्रॉपर मायरा सोने नहीं दी, हमको परेशान करते रह रही थी ये लड़की, बहुत ज़्यादा ही कोई बदमाश है, तो मेरी बेटी है। और मायरा की नानी ने मायरा के लिए मैगी बना के लाई है, तो वाह। मायरा हंस रही है, स्माइल कर रही है। तो चलो जल्दी से मायरा को खाना खिला लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पापा के दुकान जाएंगे, कुछ काम है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग व्लॉग पे बने रहो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलो मायरा को खाना खिला लेते हैं पहले। अब ऐसे मुंडी गाय घुमाते हैं, ऐसी ऐसी घुमाता है, क्यों घुमाता है, करता है तो घुमाता है, क्यों घुमाता है, क्या है रे? आई लव इंडिया है ना, हम इंडिया है, उठा बोलो आई लव इंडिया।
बोलो बोलो उधर से बोलो आई लव इंडिया। तो कुछ दिन मतलब हम इसके पहले जो आए थे, मेरी नानी की तबीयत खराब था, यहाँ पे आए थे, तो हम व्लॉगिंग करते रहते। मेरा सभी यूट्यूबर यूट्यूब फैमिली मेंबर को पसंद पता है। तो हाँ, जो कुछ दिन पहले नानी को देखने आए थे तो हम कोलकाता आए थे और हम व्लॉग करते रहते, तो मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर को सभी को पता होता है कि हम कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हम चले गए थे कोलकाता से, मतलब बहुत जल्दी काट के टिकट, एक ही दिन थे शायद नानी को देखने के बाद यहाँ पे। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग बिहार चले गए थे। तो तीसरा दिन मम्मी यहाँ पे मिलने आता है। जब हम यहाँ पे थे ना, कुछ दिन से लगातार डेली 3 से 4 यूट्यूब फैमिली मेंबर लोग तो हमसे मिलने आते ही थे। तो उस दिन हम चले गए थे तो कोई हमसे मिलने आए थे एक बेबी को लेके, और मम्मी को एक गिफ्ट देके गए। मतलब हमको मम्मी को देके बोल के गए कि ये मामी दीदी के लिए लाए थे, हम तो मिल नहीं पाए, दीदी जब आएगी तब मिलेंगे। तो चलो, हम अभी तो है यहाँ पे फ्लैट वाला काम के लिए आए थे, तो रजिस्टर होगा अभी 15 दिन टाइम दिया है, मम्मी निकाल रही है। कोई भी नाम ही था वो। तो उन्होंने मम्मी हमको फोटो भेजी थी कि हम तो इतने एक्साइटेड, गिफ्ट किसको ना पसंद होता है। और हमको आप लोगों को पता ही, हमको वॉच पफी ये सबका बहुत शौक है, पर्स वगैरह का बहुत शौक है। तो मम्मी हमको पता है, आप लोगों को भी मेरा शौक के बारे में सबको पता होगा, पता है। तो ये मम्मी को देखे गए थे और ये बोल के गए थे, मम्मी को पूछे कि नंबर वम्बर कुछ भी देखे गए, कार्ड वगैरह कुछ, तो मम्मी ने कुछ नहीं देखे गए, वो बस इतना बोल के गए कि मम्मी दी फिर आएगी तो फिर मिलेंगे। तो अभी तो हम फ्लैट के लिए भी है, और फ्लैट में गए थे जो, वो हम बाद में बताते हैं क्या बोला हमको वहाँ से। सबसे पहले हम प्यारा सा गिफ्ट दिखा देते हैं क्या दिए, लेकिन सच बता रहे हैं, हम सभी को ये बात बोलते हैं, इस सबका जरूरत नहीं है, आप लोग का प्यार बहुत है मेरे लिए, लेकिन अच्छा तो लगता है, किसको ना अच्छा लगता है गिफ्ट, लेकिन सही में आप लोग इतना प्यार करते हो, ये मेरे लिए बहुत काफी है। मतलब काफी नहीं, बहुत ही ज्यादा, काफी वर्ड ही इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मैडम क्या कर रही है ये? सेल्फी। अरे बाबा सेल्फी ले 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 सेल्फी ले ले। तो ये कुछ टाइटन का वॉच है और पैकेजिंग कुछ ऐसा है, रागा। हाँ, रागा का। तो मेरे पास सही में टाइटन का एक भी नहीं वॉच था, हम जो पहने हैं ये फर्स्ट ट्रैक का है, और एक पहनते थे वो ऐसे ही कोई मार्केट से लेते, लेकिन वो मेरे लिए बहुत लकी वॉच है, अभी भी खराब नहीं हुआ, वो कम से कम 3 महीना हो गया। और पता है आप लोगों को, 200 रुपये से हम खरीदे थे, 3 महीना हो गया, पानी में हाथ धो लेते, कुछ क्या ना किया हम उसको, फिर भी वो मेरा चलता है, लेकिन बहुत लकी वॉच है मेरे लिए। और ये फर्स्ट ट्रैक का वॉच है, और ये मेरा थर्ड वॉच है जो टाइटन का है। वॉच दिखाते हो आओ यार, हमको तो ये देख के मन में एकदम लव बलून सब आ जा रहा है, और विश्वास नहीं करोगे अभी हम देख रहे हैं हाथ में लेके। मतलब हम आके एक्साइटेड थे, लेकिन बहुत नींद आ रहा था, हम सो गए थे, फ्लैट वाला बात करके सो गए थे, और इसको हाथ में लेके। बहुत प्यारा वॉच है, थैंक यू सो मच। अब जो भी हमको ये गिफ्ट किए हो, मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, हम उनका नाम तो नहीं जानते हैं, तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, देखो इतना प्यारा है ये। हम जानता है, भूल गया हम, पता था शायद मेरे हाथ में थोड़ा लूज होगा। हम यहाँ पे भी, मेरा पापा के दुकान के पीछे एक टाइटन का शॉप है, वहाँ पे जाके इसको कटा के लाएंगे, आज ही हम बिट्टू के साथ जाएंगे। ये हमको इतना अच्छा लगा, विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे मतलब गॉर्जियस सा हमारे पास वॉच नहीं था, शादी वगैरह बहुत है सामने, तो हम इसको वेयर जरूर करेंगे, और बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट का कोई जरूरत नहीं था। थैंक यू सो मच, तो बोल दो थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, फ्लैट वाला बातें हो गया है, गुड न्यूज है कि उन लोगों ने बोला कि 15 मिनट में क्या बोल रहा है, मतलब खुशी के मारे पागल हुए। 15 दिन लगेगा एक रजिस्ट्री करने में, बहुत लंबा प्रोसेस होता है रजिस्ट्री में, आप लोगों को पता ही है, 15 दिन लगेगा। उसके बाद सब कुछ पैसा वगैरह पेमेंट होगा, उसका भी कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों को चाबी दे देगा, इंटीरियर के लिए अलाउ कर देगा। मतलब इतना हैप्पी, मत पूछो, अभी पापा को फोन किए, मम्मी को फोन किए, दीदी को, उन सबको बोले हैं।
सब बहुत खुशी है। वैसे भी आते टाइम हम मम्मी का पैर लग के आए, आज मेरी सास जो है और पूनम दी दोनों सही हुई है और पूजा कर रही है कुछ। हम आते टाइम एकदम शुद्ध मन से उन दोनों को प्रणाम करके आए थे कि कुछ तो हो, और उन दोनों का आशीर्वाद हमेशा हर बड़े का आशीर्वाद हम लोग के साथ होता ही है। वो लोग आशीर्वाद मन खोल के सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा के मतलब सोच रहे क्या लेके निकले थे, एकदम बड़ा सा कोई आशीर्वाद लेकिन वो भी माँ का दीदी का, तो वो सफल हो गया। 15 दिन मतलब इतना खुश था, हम आते थे बोल रहे थे कि हम इतना खुश थे कि कभी नहीं हुए, इतना बहुत ज्यादा तो कुछ सपना है जो जल्दी पूरा हो रहा है यही यार बस। तो चलो अभी जाएंगे पापा के दुकान बिट्टू के साथ, बिट्टू वहाँ पे पढ़ने जाता है। क्या हुआ? आना चाहिए मारेंगे मामा क्योंकि इसको कटवाना है, और बिट्टू को सर के साथ थोड़ा सा बात भी करना है, फोन दो क्योंकि इसका बहुत शिकायत सुन रहा है। बस मम्मी इसका कुछ शिकायत कर दीजिए। चलो ये जाते थे आज के सर के पास, सर एक दिनो बोले अभी पढ़ा दी ना जा बोल बेटा जा। हम पूछने जा रहे हैं कि ये पढ़ाई कैसे है, पढ़ाई में पता सुना अभी ये क्या तू यार की है कुल भी जाइयो हमार माता रा गरम पड़ी हो ना। मारो मा मारो ये बाबा ठीक है सवार सामने मार खावी सीए दे वो और बोलबो देख भी देते है देख बोलो मा बोलो ओसी जाइ। तो चलो मेरी मम्मी एकदम गरम की तरह हो गया, तभी उसका कोचिंग के सर के साथ भी बात करने जाना है। तो चलो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ।